ये आइडिया के नेटो के मैं एयरटेल तुम जियो। सुनो सुनिए सुनिए, आप एक काम करिए, ऐसे खड़ी होइए, फिर ऐसे ऐसे करिए, अपने आप साड़ी पहन लीजिए। मैं जाऊँ यहाँ से? नहीं नहीं, साड़ी पहनिए। ओके सो हम रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या है कि हमारे पास आर्टिस्ट कम पड़ रहे हैं, और हमको तो आप जानते हैं मतलब हम कितने अच्छे हैं लोगों चीज़ों को एडजस्ट करने में। बाकी होटल के जितने लोग थे हमने सबको बोल दिया कुछ ना कुछ बन के आने को, सब तो सब अपना अपने तरीके से रेडी होके आ रहे हैं। शादी का सीन है, थोड़ा क्राउड चाहिए, और रात के 2 बजे शूट कर रहे हैं, तो होटल के बाकी स्टाफ तो सो चुके हैं। चलो तो गाइस हम स्नेहा जी को आज तैयार कर रहे हैं, ये कितना भी तैयार हो ले चली गई जान मेरी, एक ऐसा मोड़ के पहनी है फैंसी जैसा, देखता मैं रह गया ठीक है मैं देख रहा हूँ कैसी लग रही है आप आज, इसने आपने असली रूप में आई ऐसे से की फट से रूप बदल गया। बहुत इरिटेट कर रहा है ये मुझे। सो गाइस हम मिडनाइट में शूट कर रहे हैं, और हमारे पास आर्टिस्ट की कमी पड़ गई, तो हमने होटल के गेस्ट को उठा लिया। बाकी तो जो आर्टिस्ट है, हमारे टीम का भी एक आर्टिस्ट था जो हमारे बीच हमारे साथ आने वाला था, पर अभी लौंडा बहुत बड़ा हीरो बन गया, तो बोलते नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। ऑल द बेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स। यार बहुत प्रीटी लग रही है, सच्ची बोल रहा हूँ। आप वो लग रही क्या, कौन सी एक है ना वो माधुरी दीक्षित, आप लड़के की माँ लग रही है, चिंतित एकदम चिंतित, इसे फालतू का दूल्हा बना है, फालतू की दुल्हन कुछ। ये एक्चुअली में गेस्ट है, ये जिन्होंने ट्रेडिशनल नहीं पहना है, ये एक्चुअली में गेस्ट है, और जिन्होंने ट्रेडिशनल पहना है ये गेस्ट नहीं है, सब पैसा ले लेके आए सब। हां बेटा ले जा मुझे, इन्होंने साड़ी पहने, शिल्पा चिट्टी बनी है मामाली, सॉरी अमिताभ बच्चन दीदी क्या नाम है, चलिए हम एक बार गणपति बप्पा करेंगे। नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। क्यों अभी नहीं करेंगे? हो गया, एक शॉट छूट गया। थैंक यू। सो गाइस दिस इज आवर लास्ट डे एट पटना राजगीर, और आज हमारा शूटिंग पूरा खत्म हो गया, सॉरी राजगीर नालंदा, आज हमारा शूटिंग पूरा खत्म हो गया है। आज हम ब्रेकफास्ट लास्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पे। खालिद जी हाय हाय करेंगे तो ट्रेन में भेज देंगे, बट मोर हम किसी का हाय नहीं लेते, तो हमें हाय ना दे, आशीर्वाद दे, प्यार दे, दुलार दे। नींद आ रहा है, मैं खा लेता हूँ ब्रेकफास्ट में। मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स, आलू मटर टमाटर की सब्जी, आलू पराठा और वड़ा। केसो क्या खा रहे हो तुम? केसो नहीं, केशव। केशव तुम अभी बताओ कि कैसे नाम लेना है, और क्या अभी से सीखोगे तुम, क्या ही बोलते हो सही सही, केशव क्या पा रहे हो तुम, केशव अक्षा दीदी, अक्षरा दीदी नहीं, अक्षरा दीदी, केशव बोलो, अक्षरा 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 नहीं बाबा, अक्षरा अक्षरा भी नहीं नाम है, नहीं अक्षरा भी नहीं, अक्षरा अक्षरा बोलो, हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा। सो हम लोग आज वापस स्विमिंग करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमारा पैकअप हो चुका है, सब लोग जा चुका है, हम लोग स्विमिंग करेंगे, उसके बाद गाड़ी बैठेंगे भाग जाएंगे। नहीं जा सकते तुम लोग स्विमिंग में, यार ऐसे ना बोलिए, गंदा है बहुत पानी, गंदा है, बहुत गंदा है।
कोई ना, अपन वापस जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे, घर जाएंगे। थैंक्स, वैसे भी बहुत धूप था। अब बाथरूम से मैं करूँगा कुछ चोरी, और वो है ये सब कुछ, ब्रश, मंजन, रेजर, लोशन। ये काम का है हमारे, इसको रख लेते हैं, ये सब कुछ हमें काम देगा। ये भी शुभ होता है, ये लोशन है और पता नहीं क्या क्या है। ए, इसको छुपाओ पागल, वो लोग देखें चोर कहेंगे। रुको ना, देखते हैं कुछ काम की चीजें। चलो भाई, चलो मेरे रूम में भी। बस अरे मेरा कैप है, छुटा होगा ना, चलो ना। हाँ, तुम्हारे रूम में ऐसे ही बोलो, चोरी करने नहीं जाएंगे। तो यार कैसे सही में चोर जैसा हम लोग लेंगे। सो गाइस, हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं यश के रूम में, वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत चोरी बाकी है हमारी, वो करके फिर होटल से हम चेकआउट करने वाले हैं। यश, ये ब्लॉग वो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे चैनल को होटल वाले सब्सक्राइब कर रखे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, दे नोज मी। ये वो लोग क्या देख रहे हैं? लगता है हमारा सच्चा लोग सामान चुरा रहे हैं, हम देख लिए। ओके, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, फाइनल हमारा पैकअप सब कुछ हो गया, हम गाड़ी में बैठ गए, और हमारा जिम भी काफ़ी मिस हुआ, लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो गई शूटिंग पे आके। हाँ दीदी, हम लोग कुंड जाने वाले थे ना, घुमा लें। हाँ घुमाए। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं कुंड। देखा हमारा एकदम, हमारे बातों का असर कितना हो जाता है। हमने एक बार बोला कि हमें जाना है, दीदी हम जगह नहीं, दीदी कहीं चलिए चल लेते, छोटा बॉटल ले लिए। यहाँ एक कुंड है जिसमें गर्म पानी आता है, और वो सात जगहों से मिल के पानी आता है, और बहुत पवित्र माना जाता है, पर मुझे इसकी पूरी कहानी पता नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जस्ट चलो तो ऊपर की चढ़ाई यहाँ से करेंगे हम। मैं जब शॉर्ट्स ही पहन के चला आया, मेरे को बहुत कंफर्टेबल होता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता जीन्स वीन्स पहन के रहना। यहीं से पानी आ रहा है, इसकी कहानी क्या है? नहाने के बाद शरीर का जितना भी स्किन का जो प्रॉब्लम होता है वो सब खत्म हो जाता है। लेट्स सी, दीप चलो। तुम कहना क्या चाहती हो? दीदी का नसीब नहीं था तो उनके लिए तो मिल ले लिया मैंने। असली नसीब ये होता है, ऐसे तो कोई किसी के लिए ले जाएगा। ए यश, देखो आज दिख रहा हूँ मैं अच्छे से। हाँ ओके, आप नहाए अच्छे से? हाँ मैंने छिड़क लिए पूरे हाथ पे। छिड़कना नहीं था नहाना, देखो जैसे मैं, और मैंने पानी पी लिया पीने से, देखो जैसे मैं हूँ ना, वैसे पानी लिया ना मैंने से। तो आप भीगे तो नहीं? ओके पूरे बार नहीं भीगो सकती ना, इसलिए मैं का ये बहुत बड़ा था कुछ। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा कुंड, ये बहुत बड़ा सा कुंड है, लेकिन कुंड से पानी हम लोग नहीं पी पाए, मतलब देख नहीं पाए, क्योंकि वो अलाउ नहीं था वहाँ पे जाना। तो लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग एक कॉर्नर बना था, जहाँ पे गौमुख से यानी कि गाय के मुंह से पानी आ रहा था, ऐसा सीमेंट से बनाया गया था, और वो बहुत एक्चुअली में गर्म पानी था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन था गर्म पानी, काफ़ी गर्म था, जैसे हम लोग गर्म पानी पीते हैं ना, तो उतना गर्म था। वो कैसे आ रहा था क्या आ रहा था मुझे इसकी कहानी नहीं पता, मैं पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा। कि आपको पता है, आप आए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। सो हम पहुंच गए और हम रास्ते भर सिर्फ सो के आए हैं। 10 जगह शूज़ इसलिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जूते हैं, बस 3 जूते हैं वो भी एक शूज़ है। बाप रे, ये लिफ्ट नहीं गो डाउन लगने लगा एकदम। रुको, हाय हाय बदतमीज। अरे सो हम पहुंच गए घर, खुशी भी दिख गई, मे भी खुशी एक दो दिन और दिखेगी, तो मैं बहुत एक दो दिन और रहेंगे व्लॉग्स में। तुम्हारे नाम के बहुत कमेंट्स आ रहे थे,
तो हम घर पे इसलिए चले आएंगे तुमसे मिलने पे। फिर उसके बाद अभी मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद फिर हम लोग खाएंगे कुछ, फिर पता नहीं क्या करेंगे, लोगों को वर्कआउट करना है। पर सुकून मिल गया मुझे यहाँ पे आके।